पिछले दो तीन दिनों में पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है? गवर्नमेंट ने बिजली की बेसिक प्राइस में 5 रुपए 72 पैसे इजाफा कर दिया है। सीएम बलोचिस्तान ने बेनजीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर 75,000 प्राइमरी टू हायर लेवल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त पर बैन लगा दिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए 76 लाख रुपीज के 7 iPhone 15 Pro Max और 5 Samsung S24 Ultra बाय किए हैं। न्यूज मीडिया पर आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। केपी गवर्नमेंट ने खर्चे कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंसेस से कार्ड खरीदने, फॉरेन सेमिनार्स पर जाने और 5-star होटल्स में सेमिनार्स और मीटिंग करने पर पाबंदी लगा दी है। पेट्रोलियम डीलर्स ने एक्स्ट्रा टैक्स लगाने पर मुल्क भर में स्ट्राइक की, जिसके बाद गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का डिसीजन कैंसिल कर दिया और पेट्रोलियम डीलर्स ने भी स्ट्राइक खत्म कर दी। बजट में सैलिड ग्लास पर लगाए गए टैक्स के खिलाफ इस्लामाबाद में टैक्स कम करो प्रोटेस्ट हुआ। पीएम शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का विजिट किया। विजिट में किर्गिस्तान में होने वाली एससीओ समिट में शिरकत की और एससीओ समिट में आए तुर्की, रशिया, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान हेड ऑफ द स्टेट से मीटिंग भी की। पीडीएम में केपी ने केपीके के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को फ्लड्स के लिए डेंजरस डिक्लेयर कर दिया है, जिनमें अपर एंड लोअर चित्राल, स्वात, डेरा इस्माइल खान, चारसद्दा, नौशेरा, शांगला, अपर एंड लोअर दीर, टैंक और पिशावर शामिल हैं। सीएम पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में टर्म सर्विस स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की है। पाकिस्तानी रेसलर हसन अली भोला ने रशिया में होने वाली चिल्ड्रन ऑफ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया।